हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ऑल यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन के बारे में, कि बहुत सारे कंफ्यूजन आपके सामने इस टाइम पे आए हुए हैं कि क्या यूनिवर्सिटी इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगी या नहीं कराएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी ने अपना अप्रूवल उसके लिए दे दिया है। सारी यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन के लिए डिटेल मांगी जाने लगी है कि वो एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराएंगे। उसके बारे में पूरी नोटिफिकेशन आपको जारी कर दी गई है पीडीएफ के तौर पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी डिटेल में वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप पा सकें ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। जानते हैं सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन के बारे में। तो यूजीसी ने अप्रूवल आपका दे दिया है, एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिस नोटिफिकेशन में उसने सारी चीजें बिल्कुल क्लेरिफाई कर दी है साफ तौर पर कि कब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के चांसेस हो रहे हैं। तो अगर यहां बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि स्क्रीन पर आपको यहां नजर भी आ रहा होगा बकायदा एग्जामिनेशन की अगर हम जाते हैं तो कंडक्ट एग्जामिनेशन जो है टर्मिनल सेमेस्टर जो है आपके जो कि लास्ट सेमेस्टर है या फिर फाइनल ईयर है उनकी अगर हम बात करें तो 1/7/2020 से लेकर 15/7/2020 में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की उन्होंने बात की है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स हैं, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के मतलब है जो मिड के सेमेस्टर्स हैं, अगर उनकी बात हम करें तो 16/7/2020 से लेकर 31/7/2020 की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की उन्होंने बात की है। इसके अलावा 1 जून से लेकर 15 जून तक अगर हम बात करें हैं तो यहां पर फाइनल जो एक प्रोजेक्ट वर्क है या इंटर्नशिप रिपोर्ट है, ई लैब्स है, ये कंपैरिजन सिलेबस या इंटरनल असेसमेंट जो होता है इंटरनल असेसमेंट के लिए 1/6/2020 से लेकर 15/6/2020 तक की डेट उन्होंने रेकमेंड की है, दी है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अब बात आती है मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। अगर हम बात करें तो सारी यूनिवर्सिटीज को जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की रिपोर्ट उन्होंने लगाई है तो यहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो पूरे तरीके से COVID-19 को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, यानी पूरे डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी के पास एलिजिबल लैब्स हैं तो वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा सकते हैं। उसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की फॉर्म करने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं कि 2 घंटे का एग्जामिनेशन कराया जाएगा, ज्यादा टाइम वहां पर नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग कम हो जाएंगे, जो भी आपके हैं वो कम हो जाएंगे। और अगर सेमेस्टर की बात करें तो बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन वही रहेगा जो ऑलरेडी उनका चलता था, बस ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अगर आपके कॉलेज के पास, यूनिवर्सिटी के पास एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए लैब्स वगैरह हैं तो वो करवा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ क्लियर कर दिया है कि यहां पर जो एग्जामिनेशन है अगर वो चाहे जाने वो किसी भी इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी कंडक्ट करवा सकते हैं, जो आराम से कंडक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मेन बात करता हूं मैं आपकी यूनिवर्सिटीज के बारे में। अगर आपकी यूनिवर्सिटीज के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन की बात करी जाए तो यहां पर साफ तौर पर क्लेरिफिकेशन किया गया है कानपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर इनके बारे में क्लेरिफिकेशन करूं तो इन्होंने अपनी डेट जो रिकमेंडेशन दी है अभी के डेट में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहां पर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो जून में कंडक्ट होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। उन्होंने 15 जून से डेट दी है आपके यूजीसी को, अगर यूजीसी ने उस चीज को अप्रूव किया तो आपके कानपुर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन जून में स्टार्ट हो जाएंगे। मगर चांसेस ज्यादा यही है कि जो यूजीसी ने उन्हें रिकमेंडेशन किया था, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि मैं 15 जून से अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहूंगी, जबकि कानपुर यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पर ये नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा होगा उसमें साफ तौर पर उन्होंने क्लेरिफिकेशन कर दिया है कि वो डेट जो है वो साफ तौर पर क्लेरिफाइड है कि वहां पर वो अपना एग्जामिनेशन 1 जुलाई से ही कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, यूजीसी एग्जामिनेशन जो अप्रूव किया है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अगर कोई भी डाउट आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और उसके अलावा अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जरूर शेयर करें। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।